इस रोड पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। अब जैसे जैसा ये पहाड़ी ऊपर चढ़ते बाबा फॉल्स जाओगे, इसलिए कहते हैं कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो भाई का, बट अगेन भाई ना रिस्क वाली बात है। ये इस तरह से कुदरत के नज़ारे यार, अनबिलीवेबल। ये आप बिल्कुल भी आई वुड से कि काफी रिस्की लग रहा है मुझे। हे हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग गाइस। आज मैं जाने वाला हूँ बाबा वाटरफॉल्स एंड आपको ये पूरी जर्नी बताएंगे कि कैसे बाबा वाटरफॉल्स को आपको पहुँचना है, क्या आपको रास्ते में मिलेगा, कि क्या आपको तैयारी के साथ यहाँ पे आना है। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग को विदाउट स्किप किए एंड तक बने रहना। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस रोड पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग आवर्स में आओगे आपको नाश्ता यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो जैसे अभी फाटने फाटक क्रॉस पे हम लोग आए हैं, जहाँ कहीं भी आपको ब्रेकफास्ट मिले आप ब्रेकफास्ट इमीडिएटली कर लीजिए या अपने साथ पैक करके घर से लाइए, क्योंकि अभी यहाँ से लेके बाबा फॉल्स जाने तक आपको कहीं पर भी ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। कोई यहाँ पे कोई ढाबा का मतलब ये फैसिलिटीज नहीं है, बिकॉज ये महाराष्ट्र का एक मतलब लाइक रिमोट एरियाज टाइप में है या फिर अर्बन एरियाज आप बोल सकते हो, इस तरह का है। मेक श्योर कि आप ब्रेकफास्ट अपने घर से करके निकले या अपने साथ लेके निकले या जहाँ कहीं भी मिल जाए आपको रास्ते में, चॉइस नहीं करना है आपको, इमिजिएटली आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। जैसे फाटने फाटा है तो फाटने फाटा से अपने को लेफ्ट लेना है। ये जो रास्ता भी आप जो देख रहे हो, ये रास्ता जो है अपना क्या बोलते हैं बाबा फॉल्स को जाने वाला रास्ता है। अब यहाँ से ये तिल्लारी नगर भी जाता है रास्ता। तो फाटने फाटा से आपको लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेके इस रास्ते पे अगर आप आओगे तो यही रास्ता है जो बाबा फॉल्स को जाता है। कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, सिंपल। आप वहाँ से बलगाम से निकलोगे डायरेक्टली तो आपको आना बाबा फॉल्स है, अपना फाटने फाटा है। फाटने फाटा में आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में जो आपको ऑप्शन मिले, जैसे अभी हमने अपना इडली इडली वड़ा हमने खा लिया, और यहीं से आपको जो कुछ भी लाइक आपको खाने पीने की चीज़ें लेनी है, पार्सल वर्सल कुछ लेनी है, जैसे भी हमने दूध की पैकेट ली है, कुछ चीज़ें स्नैक्स वगैरह ले, क्योंकि अभी हम कॉफ़ी बनाएंगे, तो बस ये सब चीज़ें आप लेके आपको ये रास्ता पकड़ के निकलना है। थोड़ा सा ये इस रास्ते पे आपको लाइक छोटे छोटे गांव मिलेंगे। ये सिंगल ट्रैक है, आप स्पीड तो नहीं चला सकते हो, तो डिस्टेंस देखते हैं कि किस हिसाब से कवर होता है। ऑलमोस्ट अभी क्या टाइम हो हम लोग, अभी टाइम 8:35 है, करीबन करीबन एक घंटे में तो हम लोग यहाँ पहुँच गए। और ब्रेकफास्ट का आप लगा लीजिए आधा घंटा मतलब हमने स्पेंड किया होगा, तो बस और एक घंटे में हम लोग ये फॉल्स पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के यही जर्नी 2 घंटे की ट्रैवल आपकी राइड होगी, अगर आप आराम से जाओगे तो कोई गड़बड़ ना करते हुए। और ब्रेकफास्ट का और बाकी आपका स्टॉपिंग टाइम जैसे फोटो के लिए इसके आप निकाल के जाओगे तो 2-2.5 घंटा आपका टाइम पकड़ लीजिए।
अब जैसा जैसा ये पहाड़ी ऊपर चढ़ते जाओगे, जैसे भी आप आगे पीछे एक पारगढ़ का टर्न गया और ये बाबा फॉल्स का टर्न है, नीचे एक वहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया है, मार्क किया हुआ है कि आपको बाबा फॉल्स जाना है, तो ये राइट की तरफ ऊपर आया। जैसे ही ऊपर आओगे तो ये आप स्क्रीन में देख सकते होंगे कि किस तरह से मतलब ये पूरा फॉग है, इतना ब्यूटीफुल वेदर है, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है। आप मेरे पूरे आसपास देखिए, फुल ऑफ क्या बोलते हैं कि ये फॉग है। बाइक राइड का जो मज़ा है ये मानसून में और इस तरह के राइड्स में, इस तरह के एरिया में, वो आपको कार में नहीं आएगा। नो डाउट कि आप कार में एंजॉय करोगे, ये नेचर तो देखोगे, बट जो बाइक राइड का मज़ा है वो बिल्कुल ही अलग है। तो अभी बस कुछ ही डिस्टेंस पे बाबा फॉल्स का एक पॉइंट आने वाला है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। Finally, after a long distance and after a travel of 3 hours, we reached Baba Falls. आप मेरे यहाँ पे ये देख सकते हो, इनका ये एंट्री गेट लगा हुआ है। सो पर पर्सन 50 rupees दे आर चार्जिंग टू मेंटेन दिस एरिया, विच इज़ क्वाइट वर्थ। अगर आप कैमरे में देख सकते हो, यहाँ पे तो आपको दूर नज़र आ रहा है बाबा फॉल्स, तो ये बाबा फॉल्स एरिया है। आगे चल के आपको बताते हैं हम। यहाँ पीछे गाड़ी हमने अभी अपनी टू व्हीलर पार्क कर दी है, तो ये आपको एरिया आपको वॉक करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप देख सकते हो ये यहाँ देखो, अपने एग्जैक्टली गाड़ी यहाँ पार्क की है। यू कैन नॉट ला सकते हो बाइक आप, बट अगेन वही ना, रिस्क वाली बात है, आप ना लाए तो अच्छा रहेगा। तो ये एक नेचुरल केव है यहाँ पे, जगह जगह से यहाँ पहाड़ से पानी गिरते रहेगा। इस चादर को अभी क्रॉस करना पड़ेगा हमें, चादर को क्रॉस करके जाना है। आई थिंक आई हैव टू टेक अ रन, चलिए क्रॉस करते हैं। ओह ओह बच गया, ये बारिश का पानी है। ये देखो अभी जहाँ हमें जाना है, तो ये पूरा केव है। इस केव से होते हुए हमको मेन फॉल जाना है। शायद आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि किस तरह से लाइक आपको एक वाटर कर्टन दिख रहा है आपको, जैसे आप कर्टन अपने घरों में लगाते हो खिड़कियों के सामने, इस तरह से ये इस एक काफी मडी एंड स्लीपरी है। ये आप कर्टन देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, नज़ारे हैं। अगेन आई हैव टू क्रॉस दिस कर्टन, बिकॉज ये पानी यहाँ से गिर रहा है ऊपर से, तो मुझे फिर से दौड़ लगानी पड़ेगी, बिकॉज अगेन मेरा कैमरा भीग जाएगा। आई टेक अ मूव। इसको क्रॉस करके, एक केव को क्रॉस करने के लिए आपको एक झरना क्रॉस करना पड़ेगा। फाइनली तो वेट इज ओवर, बस नज़ारा ये बिल्कुल सामने ही है। सो दिस इज द व्यू ऑफ बाबा फॉल्स। ये गांव का नाम है कुंभवाड़े, एंड इसको बाबा फॉल्स इसलिए कहते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो ओनर हैं उनका नाम बाबा है,
तो उन लोग यहाँ पे पैर से बाबा बुलाते हैं, तो इसलिए इसको कुंभेवाड़े बाबा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जिसकी प्रॉपर्टी है उनके नाम से इस फॉल्स को नाम दिया गया है। तो अभी मैंने जैसे एंट्री पे पूछा उनसे, तो पूछने पे पता लगा कि तो ये वाला बड़ा केव है, जो पीछे अभी आपने जो देखा वो छोटा था। वो ये इस तरह से कुदरत के नज़ारे यार, अनबिलीवेबल। ये आप बिल्कुल भी सही के अगर आपने चश्मे पहने तो चश्मे उतार दीजिए, बिकॉज ये नज़ारों को आपको अपनी नंगी आंखों से ही देखना है। क्या खूबसूरत है यार, ओहो 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 वाओ। ये यहाँ पे देखो, ये जैसे हो सकता है इसके अंदर कुछ लीकेज है, जैसे पहाड़ लीकेज हो रहा है, ये चांसेस भी है कि ये है एक्चुअल में। अभी मैं हूँ बिल्कुल भी बाबा वाटरफॉल्स के एग्जैक्ट, तो देखो ये है बाबा वाटरफॉल जो यहाँ से ये इस तरह से यहाँ गिर रहा है। आप आवाज भी सुन सकते हो, एक काफी बड़ा केव है ये, बहुत ही शानदार केव है यार। देखो ये लोग यहाँ आते हैं इस तरह से, कुछ खाना बनाया ये बनाया और ये सब गंदा करके जा रहे हैं। इस तरह से आपको गंदा नहीं करना चाहिए यार। ब्यूटीफुल। मैं ये चेक करने के लिए यहाँ पे आ गया कि कहीं रास्ता है क्या। तो एक्चुअली उस साइड में तो कहीं रास्ता नहीं है, बट लेकिन काफी रिस्की लग रहा है मुझे। मैं बिल्कुल इस केव के अंदर हूँ, मेरे एग्जैक्ट पीछे आप जो देख रहे हैं यही है बाबा वाटरफॉल्स। तो ये कुंभवेड़े गांव है, इसको बाबा वाटरफॉल्स इसलिए कहते हैं जैसे मैंने आपको पीछे कहा कि यहाँ का जो प्रॉपर्टी ओनर है उनको लोग यहाँ पे बाबा कहते हैं, तो उन्हीं के नाम से इस फॉल्स को नाम दिया गया है बाबा वाटरफॉल्स। तो ये अभी जो मैं केव से जो आया हूँ, जो भी अभी जो केव देख रहे हैं ये नेचुरल केव है, बारिश के वजह से मतलब धीरे धीरे करके ये नेचुरली बनी हुई केव है। तो यहाँ पहुँचने के लिए जो नज़ारे हमने एंजॉय किए रास्ते में, जो फॉग हमने एंजॉय किया है, जो वेदर हमने एंजॉय किया है, आप ये देख रहे हो इतना ब्यूटीफुल फॉग आपको मिल रहा है, इतना ब्यूटीफुल वेदर आपको मिल रहा है। तो ये आप ये तो मानसून में आइए या इमीडिएट आफ्टर मानसून, जैसे अक्टूबर के बाद भी आप आ सकते हो, नवंबर दिसंबर जनवरी जब ठंडी हो रहेगी, हो सकता है थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा, बट लेकिन बाकी व्यू आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर फॉल्स देखना है तो फॉल्स देखने के लिए आपको आना पड़ेगा ये मानसून में, ये मानसून में ही इसका मज़ा है। एंट्री गेट मैंने आपको बताया कि 50 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया है, ब्यूटीफुल वर्थ राइड है। आप ज़रूर आइए अपने फैमिली के साथ, और आते वक्त में अपने साथ अपना सारा क्या कहते हैं कि अगर आपको पानी में नहाना है तो उस हिसाब से आपको कपड़े लाने पड़ेंगे। एंजॉय कीजिए इस पूरे वीडियो को। But it's
आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।